नमस्कार दोस्तों, मुगल मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल स्पास न्यू टैबलेट के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस टैबलेट को कब लेना चाहिए और इसके डोसेस और साइड इफेक्ट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस टैबलेट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये टैबलेट मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 80 मिलीग्राम और एसिक्लोपेनिक 100 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके एमआरपी की बात करें तो ये 10 गोली का पत्ता आपको 78 रुपये में आज की डेट में भारत में कौन से भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके यूजेस या फिर फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। इस टैबलेट का मुख्य इस्तेमाल पेट दर्द, स्टमक पेन में, पीरियड्स और ब्लोडिंग के लिए किया जाता है। यह टैबलेट आमतौर पर पेट और दिल में चिकनी मांसपेशियों की मरोड या ऐंठन का इलाज करने के लिए बेहतरीन टैबलेट माना जाता है। इसका उपयोग सिरदर्द, बोवेल सिंड्रोम और पथरी के कारण होने वाले दर्द में और महिलाओं के पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जाता है। यह टैबलेट डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना सुरक्षित है, या फिर इस टैबलेट को दिन में 2 बार भोजन के बाद ले सकते हो। पर दोस्तों, इस टैबलेट का सेवन करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि दस्त लगना, डायरिया होना, चक्कर आना, मिचले आना, उल्टी होना, कब्ज होना, ऐसे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी इस टैबलेट का सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेडिसिन के रिलेटेड ऐसी ही अच्छी जानकारी मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।